वेस्टइंडीजर बिरुद्धे प्रथम टी20 मैचे शेष 6 बले मात्र 10 रान ना तुलते पेरे हताशाजनक भावे प्रथम टी20 मैचटी हारार पर भारतीय टीम एखन खेलते चलेছে 5 मैचेर टी20 सीरिजेर तार परवर्ती मैच और मात्र कयेक घंटा बादे शुरू होते जावा द्वितीय टी20 मैचे जे कोनो मूल्ये जय लाभ करे कामबैक करते एबार भारतीय कैप्टन हार्दिक पांड्या विशाल बड़ सब दुटी परिवर्तन करे माठे नामछे एक दुर्धर्ष नतून प्लेइंग इलेवन निये। हाँ बस आजकल भिडियोते आमरा फटाफट भावे देखे निब भारत बनाम वेस्ट इंडिज ये द्वितीय टी20 मैचटी ठीक कखन थेके कबे शुरू हो जाच्छे, एई मैचे भारतीय प्लेइंग इलेवेने कि सब बड़ परिवर्तन घटबे एवं सर्वोपरि भारत कोन नतून प्लेइंग इलेवन निये माठे नामबे तार सब डिटेल्स ताई प्लिज देखो पुरो भिडियो। भारतीय टीम के द्वितीय टी20 मैचे कामबैक करते देखते चाइले भिडियोटी के करो लाइक और भिडियोर जोन्नो एक्षुनी करे दाओ क्रिकेट इन बेंगली यूट्यूब चैनल के सबस्क्राइब। तो बस विराट कोहली रोहित शर्मार मतो सिनियर किछु प्लेयारके छाड़ाई भारतीय टीम हार्दिक पांड्यार नेतृत्वे निजेदेर 200तम आंतर्जातिक टी20 मैचटी खेलते नेमेछिलो वेस्ट इंडिजेर बिरुद्धे और जे मैचे भारतीय टीम के मात्र 4 रानेर व्यवधाने एक हताशाजनक हारेर सम्मुखीन होते हय। किन्तु जाइ होक एई हारेर पर भारतीय कैप्टन तथा टीम मैनेजमेंट पुरोपुरिभावे जानिये दियेछे तारा एई सीरिजे सेकेंड टी20 मैच थेके आबारो घुरे दाঁড়াতে प्रस्तुत। ताई जेखाने भारतीय टीम आगामी 6 আগস্ট वेस्ट इंडिजेर बिरुद्धेई गुयानार प्रोविडेंस क्रिकेट स्टेडियमे सीरिजेर द्वितीय टी20 मैचटी खेलते नामबे भारतीय समय ठीक 8टा थेके। सेई मैचे भारतेर प्लेइंग इलेवेने कोन दुटी बड़ परिवर्तन घटबे एवं नतून प्लेइंग इलेवन की होबे से कथा बोलले एई मैचे ओपेनार रूपे देखते पावा जाबे आरो एकबार शुभमन गिल एवं ईशान किशान अथवा यशस्वी जायसवाल के। हाँ बस प्रथम टी20 मैचे एई दुई ओपेनार सुपार फ्लप जाए যেখানে ईशान किशान 9 বলে 6 রান করতে পারে আর শুভমান গিল 9 বলে 3 রান তুলতে সক্ষম হয়। আর তাই তো রিপোর্ট অনুযায়ী বেরিয়ে এসেছে দ্বিতীয় টি20 ম্যাচে নাকি এই দুই ওপেনারের মধ্যে বাদ পড়তে পারে ईशान किशान এবং তারই জায়গায় খেলতে পারে নতুন বিধ্বংসী ইয়ংস্টার প্লেয়ার তথা ওপেনার यशस्वी जायसवाल। আর এটা স্বাভাবিক কেননা ईशान किशान তার গত 5টা ইন্টারন্যাশনাল টি20 ম্যাচে অ্যাজ এ ওপেনার তেমন কোনো রানই পায়নি। এরপর এই দ্বিতীয় টি20 ম্যাচে মিডল অর্ডারে খেলতে নামবে নাম্বার 3 সূর্যকুমার যাদব, নাম্বার 4 তিলক বর্মা এবং নাম্বার 5 হার্দিক পান্ডিয়া। হ্যাঁ বস দ্বিতীয় টি20 ম্যাচে ভারত হেরে গেলে কি হবে? এই দ্বিতীয় টি20 ম্যাচে নজর করেছিল সূর্যকুমার যাদবের পাশাপাশি নতুন ইয়ংস্টার মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যান তিলক বর্মা যে কিনা 177 স্ট্রাইক রেটের সাথে বিধ্বংসী ইনিংস খেলেছিল। তাই আশা করা যায় এই ম্যাচে এই আবার মিডল অর্ডার ডিপার্টমেন্ট জ্বলে উঠবে যেখানে এই ম্যাচে লোয়ার অর্ডারে খেলতে দেখা যাবে নাম্বার 6 এ সঞ্জু স্যামসন, নাম্বার 7 এ অক্সর প্যাটেল এবং नम्बर 8 ए कुलदीप यादव अथवा रवि विष्णुई के। हाँ बस संजू सैमसन हयतो एज ए ओपेनार प्रथम टी20 मैचटी जितिए आसते पारतो किन्तु हताशाजनक भावे रान आउट हो जाए। आशा करा जाए मैचे ज्वले उठबे एवं अक्षर पैटेल आबारो तिनी फर्मे फिरे भारतीय टीम के मैच जेताबे बल और बैट हाथे जेखाने मैचे बोलिंग डिपार्टमेंटे देखा जाबे नम्बर 9 ए अर्शदीप सिंह, नम्बर 10 ए युजवेंद्र चहल और नम्बर 11 ए मुकेश कुमार के। हाँ बस भारतीय बोलिंग यूनिट किन्तु प्रथम टी20 मैचे यथेष्ट नजर केड़ेछे কেননা যুজবেন্দ্র চাহাল অনেকদিন বাদে ভারতের টি20তে ফিরে যেমন দুর্ধর্ষভাবে দুটি উইকেট তুলে নিয়েছিল ঠিক তেমন মুকেশ কুমার প্রথম ডেবিউতে তিনি দুর্ধর্ষভাবে বোলিং করেছিল ডেড ওভারে। তো এই ছিল ভিডিও। তোমার মতে দ্বিতীয় টি20 ম্যাচে ভারতের প্লেইং ইলেভেন কেমন হবে তা তুমি কমেন্টে জানাও আর ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই করো লাইক শেয়ার কমেন্টের পাশাপাশি আরও ভিডিওর জন্য চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব। ধন্যবাদ। হরে কৃষ্ণ।